हमारे साथ अहमद बिलाल भी जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अब जरा उस पर आते हैं, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाते रहेंगे। 2019 में इन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था और 2019 से पहले तक बीजेपी की सरकार में ये केंद्रीय राज्य मंत्री थे। इसका मतलब कि बीजेपी इतनी बड़ी राजनीति पर काम करती है कि उससे पहले जो है उसी समय से ये तय कर लिया गया था कि आदिवासी चेहरा है छत्तीसगढ़ में, ये विधायक बनेंगे और वहां से जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब बहुत लंबी प्लानिंग बीजेपी की होती है। तस्वीर से जो आपके पीछे तस्वीरें चल रही हैं, साथ में वो भी दिखाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए बिल्कुल बिल्कुल विवेक देखें, सबसे पहले तो मैं आपको जश्न की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके का जश्न और किस तरीके का उत्साह यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कार्यालय में दिखाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और ढोल नगाड़ों की थाप पर किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता के कदम जो है वो इस वक्त थिरकने से चूक नहीं रहे हैं और इसका कई दिनों से इंतजार जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में था। मैं रायपुर में की गलियों में पिछले 8 दिनों से घूम रहा हूँ, हर गली हर नुक्कड़ हर चाक चौराहे हर चाय की दुकान पर सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा होती थी कि अब बीजेपी को बहुमत आ गया है, आखिर इस जीत का सेहरा किस चेहरे पर बांधा जाएगा। और ये सस्पेंस जो बना हुआ था पिछले 8 दिन से वो आज जो है वो खत्म हो चुका है और विष्णुदेव साय के नाम पर यहाँ पर केजी ने खुद की तरफ से जब जैसे ही मोहर लगती है वैसे ही नाम सामने आता है और ये कार्यकर्ता जो है वो खुशी उत्साह और उमंग से झूमने लगते हैं। अब जहाँ तक आप बात कह रहे थे कि बीजेपी कितनी आगे की सोचती है, तो इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा लीजिए कि जैसा कि हम पहले से भी बताते आ रहे हैं कि 2023 का चुनाव, विधानसभा चुनाव किसने जिताया, मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं होगा बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जो कि 2024 का लोकसभा जिताने का मादा रख सकता है। और विष्णुदेव साय एक ऐसा ही नाम है, एक आदिवासी चेहरा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी वोट बैंक है, जो आदिवासी समुदाय है, सिर्फ पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो राज्य है जहां पर वो आदिवासी जनसंख्या रहती है उस पर भी सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और अगर मैं रोचक आंकड़ा बताऊं कि तो छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ था साल 2000 में तो अजीत जोगी के बाद ये दूसरा एक आदिवासी चेहरा जो है जिसको इस छत्तीसगढ़ जो कि एक आदिवासी राज्य के तौर पे जाना जाता है, तो एक आदिवासी चेहरे को कमान देना ये अभी अपने आप में एक बड़ा मैसेज जो है वो बीजेपी की तरफ से जाता है और साफ तौर पर बीजेपी ने भविष्य की राजनीति तय कर दी है। अहमद बिलाल इस नाम को सामने लाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उस पर मोहर लग गई है कि अब विष्णुदेव साय जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अगले सीएम होंगे। ये बड़ी अपडेट सबसे पहले हमने आपको बताया और उसी खबर पर लग गई मोहर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।